मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट एक की टीम ने मीरा रोड के वेंगस्टोन इमारत के रम नंबर 15 में हुई 26,60,000 रुपए के चोरी के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गुजरात के वलसाड़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी सगी बहन के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट की हिरासत में मौजूद इस आरोपी का नाम फरमान जावेद खान है। फरमान ने अपनी ही सगी बहन के घर पर चोरी कर बहन भाई के रिश्तों को कलंकित किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी फरमान को यह जानकारी थी कि उसकी बहन की शादी के लिए बड़ी बहन ने घर में कैश और सोने के जेवरात कपाट में रखे हुए हैं। चार की रात को जब फरमान की बहन और घरवाली के शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर जा रहे थे, आरोपी फरमान ने बीमार होने का बहाना कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मीरा रोड पुलिस थाने में जो है 5 नवंबर एक घरपोड़ी की घटना का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें जो है इसका मतलब इस टाइप से था कि इसमें 25 लाख रुपए की यानी जो घरपोड़ी रजिस्टर करवाई थी। माननीय पुलिस एक्स सिस्टरानंद दाते सर ने जो है उसका इम्पोर्टेंस देके जो है क्राइम यूनिट को इंस्ट्रक्शन दिया था। उसके तहत जो है क्राइम यूनिट एसीपी क्राइम मांडवे जो है वो क्राइम यूनिट 1 के पीआई कुराड़े, सेंट्रल यूनिट के पीआई राख और पुलिस स्टेशन के जो है बागल और उनकी डिटेक्शन टीम इसके ऊपर वर्क कर रही थी। जैसे 25 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम थी, तो हमारे क्राइम यूनिट 1 की 3 टीम करवाई थी। पीआई कुराड़े जो थे वो थे एपीआई सुरवे और पीएसआई विचारी, ये जो लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ही ऑफेंस रजिस्टर हुआ और पुलिस वहां पे गई थी तो एक पता चला कि जो भी अक्यूज है वो कोई यानी नोन पर्सन हो सकता है। उसके तहत हमने जैसे छानबीन करवाई तो ऐसे पता चला कि फिरियादी का जो एक जो भाई है वहाँ पे आया था और वो तब से वहाँ पे नहीं था। तो जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया था तो हमें जो सबूत मिले उसे देखा कि आरोपी जो है वो चोरी करवा के बाहर निकला था। तो जैसे हमारी जो टीम है यूनिट 1 की लगातार उसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी, तो कल जो है कि हमें वलसाड़ गुजरात से आरोपी मिला। और जैसे आरोपी और ने जो चोरी की थी जो भी रकम है